Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 foot truth always exposes darkness. So kaise sab log, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली जो शायद आपके विजन से काफी ज्यादा ही दूर है. इट्स बियॉन्ड योर विजन. सो व्हाट इज दैट? ठीक है, सो यहाँ पे जो आज स्पिरिट एनिमल मैंने ड्रॉ किया है उसका मीनिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो इस तरह से है कि एक जीराफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फार साइटेडनेस को, मतलब बहुत दूर की दृष्टि को. दूसरा ऐसा भी है कि ये हमेशा सिखाते हैं कि चलो अपने सर जो है ऊंचा करके चलो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है, जो छुपा हुआ है, जो हिडन है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता वो क्या है जो बिल्कुल आ सकता है. सो लेट्स सी. आई कैन सी लॉट ऑफ दियाज, मतलब जो मिट्टी का जो दिया है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि आई कैन सी लाइक यू नो अ स्पेशल कुकिंग इक्विपमेंट. हो सकता है कि आपके घर में मे बी आने वाले समय में जो रोशनी है उसका मतलब यही होता है कि आपके घर में कभी भी अंधेरा वाला सिचुएशन नहीं आएगा. हमेशा ही आपके जो जो पीरियड रहेगा, मतलब आपके जो समय रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, तभी भी एक रास्ता जो है आपको दिखाई देगा जिस रास्ते के ऊपर आप चलेंगे और आप ऑटोमेटिकली अपने पास्ट सिचुएशन से हील हो जाएंगे. हो सकता है कि जो आज आप चाहते हो शायद वो आपके पास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ समय के बाद आपका जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा. शायद वो चीज़ आपको नहीं चाहिए होगा जो आज आप इतना डिमांड या आज आप उसके लिए इतना पॉजिटिव आप फील कर रहे हो. हो सकता है ये कोई प्रोडक्ट हो, ये कोई ऐसा चीज़ हो जो आप बरसों से खरीदना चाहते थे, या कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, या कोई ऐसा मूल्यवान, ठीक है, हो सकता है, या कोई ऐसा पोजीशन जो आप पाना चाहते हैं. नाउ आई कैन सी लॉट ऑफ यू नो इट्स लाइक यू नो कॉटन कैंडीज भी दिखाई देता है, जो पता नहीं उसको क्या हिंदी में क्या बताते हैं, एंड कैंडी फ्लॉस भी बोला जाता है उसको, कॉटन कैंडीज भी, और पैराशूट्स भी दिखाई दे रहे हैं. सो आपका जो एसेंशन है, आपका जो जर्नी है, वो मुझे अपलिफ्टमेंट ही दिखाई देता है, मतलब ऊपर की तरफ आप जा रहे हो. ठीक है, यू विल नॉट ट्रेवल डाउनवर्ड्स. बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो आपको कोशिश करेंगे आने वाले समय में नीचा दिखाए, ह्यूमिलिएट करे, इग्नोर करे, ठीक है, आपके साथ जानबूझ के दुश्मनी करे, ताकि आप उनके साथ, ठीक है, भिड़ जाओ और आप अपने मकसद से पीछे रह जाओ, क्योंकि वो आपको उलझाना चाहते हैं, वो आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स में डालना चाहते हैं, माया जाल में डालना चाहते हैं, ताकि आप अपना जो फेथ है, भरोसा है, आशाएं है, वो सब खत्म हो जाए. ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे. बट आई कैन सी हियर, सी यू आर ट्रेवलिंग थ्रू अ हॉर्स और एन एलिफेंट. आई कैन सी इट लाइक दैट यू आर ट्रेवलिंग विद लॉट ऑफ ग्रेस, लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, एक एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो. नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सो मे बी इट्स लाइक टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ योर कंट्री, या ऐसा कोई जगह, मे बी साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, बट इट इज लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव हॉलीडे वैकेशंस जो आज आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं, आने वाले समय में आप बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस, ठीक है, एक एक्सपेंसिव हॉलीडे आप स्पेंड करेंगे. आप अपने पार्टनर के साथ हो सकता है, अपने फैमिली के साथ हो सकता है. इट्स लाइक दैट.
आई कैन सी ऑल्सो दैट लॉट ऑफ पीपल विल ऑल्सो बी ट्रेवलिंग विथ यू. मे बी दे विल बी लाइक योर ग्रुप मेंबर्स. हो सकता है कि आप उनके लीडर हो और वो आपको फॉलो करते हुए, ठीक है, आपके साथ साथ वो चले. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई देता है. आई कैन ऑल्सो सी थ्री ऑफ पेंटेकल्स. यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, यहाँ पे ना कुछ एक्वेरियस. आई कैन सी लाइक दिस इम्पॉर्टेंट एक्वेरियस जेमिनाई लीब्रा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. एनी वे साइंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी मैंने बताया. सो मुझे यहाँ पे एक सॉलिड जो कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वर्किंग मेंबर्स हो सकते हैं उनके साथ. जो मित्रता होगा वो आपके साथ फुली कोऑपरेशन करेंगे. ऐसा नहीं कि आप उन कुछ काम उनको बता रहे हो और वो आपको मना कर रहे हैं, ऐसा तो कतई नहीं होगा. उस तरह से मुझे दिखाई देता है. ऑल राइट. आई कैन ऑल्सो सी लॉट ऑफ मशरूम्स. सो मशरूम्स आर वेरी टेस्टी टू इट, राइट? बट मशरूम्स कौन सा एक ऑरिजिन उसका क्या है? वो तो बेसिकली एक फंगस ही है, छत्राक जैसे उसको बोला जाता है, जो फैलता है, हमेशा फैलता है. सो आगे जाके आपकी पॉपुलैरिटी, आपका ग्रोथ, ठीक है, आपकी लॉन्जिविटी भी, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होने वाला है. आपका फिटनेस मेंटेन रहेगा. यहाँ पे करेंटली आप किसी के साथ टग ऑफ वॉर में हो. टग ऑफ वॉर मतलब क्या है? आप भी खींच रहे हो, वो भी खींच रहा है. जो रस्सी दोनों में पकड़ लेते हैं ना, वो वाला टग ऑफ वॉर, ठीक है, एक पकड़ा और दूसरा भी खींच रहा है. जिसका शक्ति वो खींच लेगा. सो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक हेल्दी कंपटीशन तो था, लेकिन उस समय के बाद वो अनहेल्दी हो गया. ऑल राइट. एनी वे द कंपिटिशन विल डेफिनेटली बी ऑल्सो देयर इन द फ्यूचर. भविष्य में तो होगा ही वो, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे. आने वाले समय में भी आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेस को भी केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अधिक से अधिक आपका पैसा बढ़ने का चांसेस भी यहाँ पे दिखाई देता है. ओके, सॉरी. ओके, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लास्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया वो है एक फॉर्क या टोंग, कुछ ऐसा चिमटा ही हो सकता है, जो चीज पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. मे बी इट इज लाइक दैट दैट यू विल नीड टू पिक अप वेरी सिलेक्टिव थिंग्स इन द फ्यूचर. तो चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. सो फाइंडिंग सेंचुअरी. इम्पासिव, फार अवे प्लेसेस. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? पहली बात देखो, पे हमें ये दिखाई देता है कि द ट्रांसफॉर्मेशन द असेंडिंग ऑफ द माउंटेन. मतलब क्या है? आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यहाँ पे रास्ता है. आपको लग सकता है करंट सिचुएशन में कि मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं करना, मुझे शॉर्टकट रास्ता चाहिए. लेकिन अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में अगर आप आगे बढ़ते हो, प्रॉब्लम यही होगा कि छोटा सा छोटा डिटेल आपसे मिस हो जाएगा. एंड यू विल बी नेवर बी रीचिंग द एक्चुअल पोजिशन. हो सकता है कि आपको मे बी फाइनेंशियल जो है वो, आपका रिसोर्सेज जो है वो भी बढ़े, सब कुछ ठीक ठाक ही रहे, लेकिन
लेकिन जो एक्चुअल सक्सेस का जो मजा है वो आपको नहीं मिलेगा इफ यू ओनली अडॉप्ट द शॉर्टकट वे। सो वो करने से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अच्छा हॉलीडे स्पेंड करेंगे, ठीक है, आप अपने लाइफ को एक, आप केयर नहीं करेंगे, यू विल स्टे केयर फ्री कि लोग या समाज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जब तक आप अच्छे काम कर रहे हो तब तक आप ध्यान नहीं देंगे। एक ऐसा ही मैंने देखा था एक रील पे कि वो लड़की जो है वो स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे कैट्स को उसका मकसद ही हो गया है लाइफ में कि उनको शेल्टर देना, ठीक है, उनको आश्रय देना, उनको खाना देना, पोषण देना। वो उसने एट द एज ऑफ 20 या 21 होगी वो, ठीक है, उसने पास आउट करने के बाद ये सोचा कि यही उसके ऑब्जेक्टिव है। उसने एनजीओ भी खोल लिया इतना कम उम्र में, और वो सही में, इट्स नॉट दिखावा, सही में वो करती है, ठीक है। तो वो अकेला, उसका क्या है, उसका जो गाड़ी है उसको तोड़ दिया गया, ठीक है, शीशा टूट जाता है उसका अक्सर खिड़की का, मतलब क्या है ना, उसको रोकने की तमाम कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे ही बना लिया कि नहीं, मैंने अगर ठान लिया है तो मुझे यही करना है। सो योर लाइफस्टाइल विल चेंज, योर वे ऑफ थिंकिंग विल चेंज, इवन आप केयर फ्री रहेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, बिकॉज इट इज योर लाइफ आफ्टर ऑल। यहाँ पे आपकी फोकस करने के वजह से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समाधान होगा वो भले ही ऑब्स्टिकल्स हो, ठीक है, वो आप क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, वो आपको रास्ता मिल जाएगा कि अगर मुश्किल हालात भी है तो उससे बचने का क्या क्या सल्यूशंस है। ये जो एक स्क्विरल है इसको पता चलता है कि आगे जो है ये रास्ता बंद है, फिर भी वो टेक्निक्स या कुछ ऐसा सोच रही है, मतलब कुछ स्ट्रेटेजीज या कुछ प्लान उसके दिमाग पे है कि नहीं मुझे इसके अंदर से ही घुस के चले जाना है। एंड नाउ मैंने आपको ये भी कहा कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में बिल्कुल आप सुखी नहीं है, होते हुए भी बहुत कुछ चीज आप सेटिस्फाइड एटलीस्ट नहीं है, या अगर है भी तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपसे दूसरा जो इंसान है वो काफी बेटर पोजिशन में है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आपको अपना प्रेजेंट जो है यहाँ पे आपको खुद ब खुद आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि आप जिस हालात में भी है यू आर रियली इन अ ग्रेट प्लेस, ठीक है, यू आर एंजॉइंग, सो इन द फ्यूचर ऑल्सो यू विल बी एंजॉइंग लाइक दिस। आप इसी तरह से बहुत अच्छे, जैसे बोला जाता है ना कि खुशियों का जो समुंदर है उसमें आप डूबेंगे, खुशियों का। बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉलीडेज, मैंने जैसे आपको कहा था वहाँ पे फार अवे प्लेसेस हैं, इवन आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स भी हो सकता है, मे बी बाई डूइंग बिजनेस, बाई डूइंग यू नो ट्रेड रिलेशनशिप्स या कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब कुछ के वजह से आपका एक्स्ट्रा इनकम, आपके इनकम में भी इफेक्ट आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब सो मच गाइज, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड